बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मैं तुमको बताऊंगा कि लेटर लिखने के अलग अलग स्टाइल क्या है और आज के तारीख में क्या स्टाइल चल रहा है वो भी डिस्कस करूंगा। ये फुल ब्लॉक फॉर्म बेटा आजकल ये स्टाइल यूज होता है, सब कुछ लेफ्ट साइड से शुरू होता है, दिख रहा है लेफ्ट ब्लॉक फुल ब्लॉक फॉर्म मतलब सब ये जो लाइन दिख रहा है सब एक लाइन में आ रहा है, ये देखो सब एक लाइन में है, ये सब एक लाइन में, इसको फुल ब्लॉक फॉर्म बोलते हैं। और आजकल ईमेल ले लो या लेटर ले लो इसी फॉर्म में आता है, सिर्फ यहाँ पे तुम देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, अपने नोट्स में स्ट्रेट लाइन है, ये राइट हैंड साइड में फुल ब्लॉक तुमको नहीं मिलेगा बट लेफ्ट हैंड साइड में एक स्ट्रेट लाइन में डेढ़ का इधर मार्जिन छोड़ के ये इधर से शुरू होता है। तुमको स्कूल में सिखाया होगा पैराग्राफ यहाँ से शुरू करो, बराबर है ना, बोला है स्कूल में ऐसा? हाँ सर बोला। तो आजकल के ऑफिशियल लेटर्स फुल ब्लॉक फॉर्म वाले ही होते हैं, करेक्ट। फिर दूसरा प्रकार है, तुमको स्कूल में सेमी ब्लॉक फॉर्म सिखाया कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में अदर देन द स्टार्टिंग लाइन ऑफ द पैराग्राफ, जिसमें जब करीबन 5 का स्पेसिंग तुमको बोला होगा कि वह बोलते ना 2 उंगली रखो उतना स्पेस, सो दिस इज सेमी ब्लॉक फॉर्म। लेकिन ये पर्सनल लेटर्स में तुम कर सकते हो, ऑफिशियल लेटर्स का ये जमाना चला गया, ऑफिशियल कोई भी लेटर में सेमी ब्लॉक फॉर्म आज की तारीख में यूज नहीं होता है। तुम कोई भी लेटर लिखो हमेशा कौन सा फॉर्म रहता है? फुल ब्लॉक फॉर्म। क्या सब लोग को समझ में आया दोनों फॉर्म, फुल ब्लॉक फॉर्म और सेमी ब्लॉक फॉर्म? ये 30, 40, 50 साल पहले यूज होता था, पिछले 25-30 साल से यही सेमी ब्लॉक फॉर्म का ये फुल ब्लॉक फॉर्म ये जो है ना इसका जमाना आ गया है, पिछले 25-30 साल से ये लेटर यूज होता है। तुम देखो ईमेल भी तुम करोगे तो स्पेस नहीं दोगे, अपने आप वो कॉर्नर से लेगा। अगेन मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म, इसमें देखो स्पेसिंग ज्यादा है 2 के बीच में, ठीक है ना। सो अगेन तुमने क्या किया, मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म भी एक प्रकार है, इसमें क्या बोलते हैं, तुम ज्यादा स्पेसिंग कर रहे हो मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म में, जहाँ पे क्या बोलते हैं ऑल टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइंड, लेकिन कई बार डेट तुमको राइट हैंड साइड में दिखेगा। फुल ब्लॉक फॉर्म में तुम देखो डेट भी लेफ्ट हैंड साइड में, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, डेट इन यहाँ पे मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म में डेट राइट हैंड साइड में। नॉर्मली मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म भी कुछ लोग यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और योर्स फेथफुली राइट हैंड साइड में, यहाँ पे देखो योर्स फेथफुली भी लेफ्ट हैंड साइड में, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फुल ब्लॉक फॉर्म में सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, और सेमी ब्लॉक फॉर्म पैरावाइज, और मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म में सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड एक्सेप्ट द डेट एंड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो राइट हैंड साइड, करेक्ट। नॉर्मली मैं ईमेल जब हम लोग करते हैं तो डेट तो ऑटोमेटिक आ जाता है, बट मैं ये प्रेफर यूज करता हूँ, और योर्स फेथफुली लेफ्ट हैंड साइड। सो मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। फिर द हैंगिंग इंडेंट फॉर्म, लेकिन अगेन ये गंदा दिखता है, स्टार्टिंग लेफ्ट लेकिन फिर पैराग्राफ फिर लेफ्ट। अगेन ये हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, पैराग्राफ का स्टार्टिंग तुम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो लेकिन बाद के लाइंस इट कुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। सो इस कंसेप्ट को हैंगिंग इंडेंट फॉर्म बोलना चाहिए, है ना, हैंगिंग इंडेंट फॉर्म। अगेन ऑफिशियल लेटर्स में ये सब यूज नहीं होता। हैंगिंग इंडेंट फॉर्म में तुमको डिसाइड करना है कौन सा को हैंग करना है और पैराग्राफ के थ्रू उसको शिफ्ट कर दो तो ये हो जाता है। अगेन जो पहला लाइन इंडेंटेड नहीं है, दूसरा और तीसरा लाइन इंडेंटेड है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी, लास्ट का सेक्शन में कुछ तुमको बताना हो कि तुमने इससे इंफॉर्मेशन लिया, तो नॉर्मल बॉडी ऑफ लेटर में कभी यूज नहीं होता, इसको हैंगिंग इंडेंटेशन फॉर्म बोलते हैं। सो ये यहाँ तक था, ओके।